नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 5-6 मिनट लेट हैं क्योंकि जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं और जितेंद्र जी का इंटरनेट जो है वो दिक्कत कर रहा था और मुझे लग रहा अभी भी दिक्कत कर रहा है। जितेंद्र जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जितेंद्र जी, तो जितेंद्र जी का इंटरनेट जब तक ठीक होता है तो आज हमको दो तीन विषयों पे बात करनी थी। और वो विषय है कि भारत का 142वां स्थान है मीडिया की फ्रीडम पे वर्ल्ड इंडेक्स में। 180 देशों में 142वां स्थान है और ये हर साल 2014 से लगातार गिर रहा है। पहले ही बहुत अच्छा नहीं था लेकिन 2014 से लगातार हर साल गिर रहा है और उसकी वजह तीन चार हैं और वो तीन चार वजह जो है वो एक तो किस तरीके से जो पुलिस का काम, पुलिस की कार्रवाई मीडिया खिलाफ है, पत्रकारों की गिरफ्तारी है, किस तरीके के कानून बनते हैं, ये सारे जो मापदंड हैं वो उससे तय होता है कि मीडिया का भारत का इंडेक्स क्या है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मनदीप पुनिया गिरफ्तारी हुई, उनको अभी जमानत मिली कुछ दिन पहले। उसके बाद कई बड़े पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर हुई है, ट्विटर गूगल के खिलाफ एफआईआर हुई है। ये सारी चीजें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इंडेक्स के लिए निगेटिव रोल का काम करती भारत की साख का दुनिया में। तो 142वां स्थान कोई बहुत गर्व करने की बात नहीं है, शर्म की बात है। लेकिन आज जिस पे हम बात कर रहे हैं वो मसला है अंदर की दीमक का। और वो अंदर की दीमक जो है उसपे मीडिया स्टडीज ग्रुप की एक पत्रिका है जन मीडिया, उनमें उसमें एक रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट तबलीगी जमात पर रिपोर्ट है। उस तबलीगी जमात की रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे। जितेंद्र जी का इंतजार कर रहे हैं कि वो जुड़ जाए हमसे। उनका इंटरनेट अभी भी लगता है कि ठीक नहीं है और वो जैसे जुड़ेंगे तो उनसे चर्चा होगी। तो जो मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है उसका मैं आपको कुछ कुछ डिटेल यहाँ पे देता हूँ। तो जब वो कोरोना फैला और वो तबलीगी जमात पे एफआईआर हुई या पूरा मीडिया का तंत्र जो है वो उस पर टूट पड़ा। मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट ये बताती है कि किस तरीके से फ्रंट पेज पे कैसी कैसी हेडलाइन चली, कैसे। अब आपकी स्क्रीन पे आप देखिए कि टीवी टीवी चैनलों ने क्या काम किया और एक शब्द का इंतजार कीजिएगा कि इसमें जमात शब्द आया है। और ये जो जमात शब्द है ये नरेंद्र मोदी ने भी पार्लियामेंट में बोला। वो जमात शब्द जब कहते हैं तो जमात शब्द का एक खास मतलब जाता है और वो इशारा होता है मुस्लिम समाज पर। तो जितेंद्र जी हमारे साथ आ गए हैं और जितेंद्र जी को, माफी हाँ जितेंद्र जी को मैं लेता हूँ। तो सर, माफी। हाँ, शायद अब कनेक्ट हूं मैं। हाँ, अब तो ये मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से ये जो पूरा कारखाना है नफरत का, उस वो कैसे चलता है मीडिया में। तो ये तमाम सारी जो अगर आप देखिएगा कि ये हेडलाइंस आप देखिए किस तरीके से कोरोना जिहाद, धर्म के नाम पर जानलेवा धर्म, निजामुद्दीन में विलेन कौन, ताज्जुब की बात टेरर कुंडली, इस तरीके की हेडलाइंस चली। प्रिंट मीडिया भी पीछे नहीं था, प्रिंट मीडिया ने भी बहुत जहर फैलाया। लेकिन उसमें जो मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट बताती है वो ये बताती है कि किस तरीके से जब जब
जब उनको 36 लोगों को दिसंबर में बरी कर दिया गया, तो वो बरी करने पर एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं आई कि जो फ्रंट पेज पे हो, एक्सेप्ट हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कुछ अंग्रेजी अखबारों के। तो मैं एक मिनट का ब्रेक लूंगा और एक मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग इंतजार कीजिए, और एक मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस जुड़ता हूँ, जितेंद्र जी को मैं लेता हूँ स्क्रीन पर, और फिर उनसे मैं बात करता हूँ। जितेंद्र जी आप स्टैंड बाई रहिएगा। तो जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये आपने रिपोर्ट देखी मीडिया स्टडीज ग्रुप की, जन जन मीडिया की, अनिल चमड़िया जी की रिपोर्ट है। आज वो सुबह सुबह कहीं बिजी हैं, तो आज उनसे मुलाकात मेरी नहीं है। तो ये जो रिपोर्ट है, ये बता रही है किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हेडलाइंस जो है, मैं अभी अपने मित्रों को दिखा रहा था कि किस तरीके से हेडलाइंस जो है वो चली, और वो हेडलाइंस, लेकिन जब वो जजमेंट आया तो वो जजमेंट के बाद वो फ्रंट पेज पे नहीं आया। जजमेंट आया कि सबको बरी कर दिया गया, तो और इसमें अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे, उनके भी मीडिया पे और ट्वीट सब कुछ चलते रहे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलता रहा। इसी तरीके से आप देखिए कि लव जिहाद का जब मामला आता है तो होता है। आपके जुड़ने से पहले एक बात मैं कह रहा था कि जो एक शब्द है जमात, ये देखिए स्क्रीन पे आपके जमात दिख रहा है, तो ये जो जमात शब्द है ये बड़ा खास इस्तेमाल होता है मीडिया में भी, और नरेंद्र मोदी ने इसको पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल किया। आंदोलनकारी जमात, आंदोलनजीवी जमात, तो वो जमात से इशारा एक जाता है। वो बार बार कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं, जमात को सिंबलाइज। तो ये जो मुस्लिम विरोधी या मुसलमान सेंट्रिक जो है, मतलब मीडिया को भी एक मुसलमान चाहिए, और उस पर बहुत एक्साइटमेंट है, और इस पर कहीं कोई विचार ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन में या एडिटर्स गिल्ड में या और जगह पे इस तरीके से नहीं होता। एडिटर्स गिल्ड जरूर बहुत सारे, जब पत्रकारों पे दमन होता है तो उनके बयान आते हैं, तो और उस बयान, लेकिन इस तरीके के बयान नहीं आते कि ये जो जहर है मीडिया का, इसको लेकर कोई एक अंदर मीडिया की बात हो, संपादक बैठे और तय करें। और इसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि आप इसको कई बार कहते रहे हैं अलग अलग फोरम पे, अभी मैं कुछ दिन पहले भी एक वीडियो आपका देख रहा था, आप ये बात कर रहे थे कि मीडिया के अंदर का कंपोजिशन, इसके फैक्टर्स क्या है, क्या मीडिया के अंदर का जो कंपोजिशन है, किस किसका मीडिया के अंदर ज्यादा बोलबाला है, वो एक वजह है। इसकी वजह आप क्या देखते हैं बतौर पत्रकार? आप अपने आप को अनम्यूट तो कर लें, अनम्यूट कर लें अपने आप को, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ जी जी, दोनों वजह हैं सर। मतलब एक तो कि मीडिया में जो जातीय रिप्रेजेंटेशन है उसको तो हम निश्चित रूप से हमको देखना चाहिए जी जी। वो तो है ही। और जब अनिल जी, योगेंद्र यादव और मैंने सर्वे किया था 2006 में कि न्यूज रूम, नेशनल न्यूज रूम का क्या है वो, तो वो 88% अपर कास्ट थे नेशनल न्यूज रूम में। और अभी कोई स्टडी नहीं है हमारे पास, लेकिन मुझे यकीन है कि वो संख्या बढ़ के अब 92-93 शायद 95% भी हो गई होगी, क्योंकि 2006 इस रिपोर्ट के आने से पहले एक कोई ऐसा नहीं कि सवर्णों के मन में कोई गिल्ट था और कुछ था, वो उनको लगता था ठीक है आ रहा है तो आने दो, आ गया ठीक है आ गया। लेकिन उस सर्वे के बाद मुझे ये लगता है कि डिलीवरेटली दलितों को और माइनॉरिटीज को और ओबीसी को रोका गया, और ओबीसी में उन तबकों को तो पक्का ही रोका गया जो किसी न किसी रूप में मतलब एंटी बीजेपी हैं, और खास करके आप जानते हैं एंटी बीजेपी बिहार यूपी में कौन सी कम्युनिटी है। जी जी।
तो और नेचुरली मुसलमान तो हमेशा ही उनके टारगेट में रहे हैं कि मुसलमानों के लिए तो कोई जगह ही नहीं मीडिया में। जबकि आप हिंदी मीडिया को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदी मीडिया में मतलब मुसलमान जो हैं, जो भी पढ़ लिख रहे हैं, जो जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उनको हमारी आपकी तरह हिंदी भी आती है, अंग्रेजी भी आती है। एडिशनल उनके साथ एक है, जी उनको जी उर्दू भी आती है, जो अधिकांश हिंदुओं को नहीं आती है। जी लेकिन इसका भी एडवांटेज उनको नहीं दिया जाता है। मतलब मुसलमानों के साथ भेदभाव तो संस्थानिक स्तर पर चल रहा है। जी जी तो मेरा मानना है कि ये एक थ्रू आउट एडिटर्स लेवल पर, चूंकि न्यूज रूम की संरचना ऐसी है जी 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 कि उस संरचना में दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज सूट नहीं करते। जी जी लेकिन इतना कह देने से भी बात पूरी नहीं होगी। मुझे ये जी देखना पड़ेगा कि इसमें लालाओं की क्या भूमिका है। जो सेठ है, जो पैसा लगाया है, जी जी वो जी कैसे, क्या कारण है कि उनको सवर्ण ही मिलता है और सवर्ण तीन इंडिया। चार है और वो तीन चार संरचना ऐसी है जी। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि वो जो सेठ है जी और जी जो कार्पोरेट प्रोसेस है, वो सिर्फ सवर्णों को पकड़ के क्यों लाता है। तो उसमें जितनी भूमिका उस एडिटर की है इन लोगों को रोकने में, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका उन कॉर्पोरेट हाउसेज का है जो अखबार चलाता है। जी और चीज और है कि अखबार चलाने वाले जो हैं, उनका सिर्फ धंधा अखबार चलाना नहीं है, उनका और कई गोरख धंधा है। मतलब कोई शुगर मिल चलाता है, कोई बिजली उत्पादन करता है, कोई माइनिंग करता है, कोई यूनिवर्सिटी चलाता है, कोई स्कूल चलाता है, कोई रियल एस्टेट के धंधा में है। तो आप तीन चार तरह के जो कंट्राडिक्टरी बिजनेस हैं, एक तरफ आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे या दूसरी तरफ आप रियल एस्टेट के धंधा हाँ, में, या ये बात मैं आपसे सहमत हूँ जितेंद्र, कि जो मालिकान है वो तय करते हैं चीजें, है ना। अगर रामनाथ गोयनका इमरजेंसी में साथ नहीं दे रहे होते तो उनका एडिटोरियल या बोफोर्स के समय जिस तरह से इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता थी वो उस तरह से नहीं होती अगर रामनाथ गोयनका का हाथ नहीं होता इंडियन एक्सप्रेस के संपादकों के ऊपर। ये बात जी मैं मानता हूं और मैं अपना भी तजुर्बा आपको बता दूं कि मैं बहुत जगह रहा और अमूमन मुझे मालिकों की तरफ से खबर चलाने या रोकने का फोन नहीं आता था। कई बार ये हो जरूर हुआ कि कोई खबर चल रही है कंट्रोवर्शियल और नेताओं के फोन मालिकों के पास जाते थे, तो वो सिर्फ एक आध बार मुझे ये कहा गया कि भाई आप मुझे बता दिया करें ताकि मैं अपना फोन बंद कर दूं। तो ये जो तब्दीली आई है कि मालिकों और ये जो न्यूज रूम के अंदर जो लोग हैं इनके अंदर जो इतनी सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है और एक क्या क्या कहें कि ग्रुप थिंकिंग है कि जैसा मालिक सोच रहा है वैसा ही एम्प्लॉय भी सोच रहा है और पत्रकार भी सोच रहे हैं, ये एक रिसेंट फिनोमेना है। और इसका इसकी बड़ी वजह मैं वही देखता हूं जो आप बता रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि वो मुझे रोज फोन आते थे कि ये खबर क्यों चला दो, ये खबर क्या। टीआरपी को लेकर जरूर एक कंसर्न मालिकों का जरूर रहता था लेकिन खबरों को चलाने रोकने में तो नहीं था। तो मुझे लगता है कि आज जो ये जहर आप देख रहे हैं मीडिया में जिसकी मतलब वो जहर मुझे लग रहा है कि उस जहर में काफी जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन बैठे हुए संपादकों का भी है। मतलब है सर, है। मतलब मैं एकदम इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ कि संपादकों का नहीं है, लेकिन जब आप गैप देखेंगे दोनों के बीच, तनख्वाह की और सुविधा की, जब आप किसी एडिटर को 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए दे के ला रहे हैं या 5 लाख रुपए दे के ला अपने यहाँ हायर करते हैं, और एक रिपोर्टर को आप 8 हजार, 12 हजार, 15 हजार या 20 हजार रुपए देते हैं, तो संपादक को भी पता है कि अगर उस लाइन को टो नहीं करेंगे और फलाने जी के कहने पर नहीं करेंगे तो हटवा देंगे,
तो 5 लाख रुपए कौन देगा? तो नैतिकता तो वहां से भी तय हो रही है कि आपको 5 लाख रुपए चाहिए और समाज में जो आपको फलाना जी बन के घूम रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट, वो तो आपको वहां से भी तय हो जाएगा कि अगर आप टीवी पर स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे तो फलाना जी आप नहीं रहेंगे। और जो आपने सारा प्रिविलेज लिया है वो झूठ बोल के ही लिया है, उसी गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके ही आपने लिया है, क्योंकि स्पेशल कोई टैलेंट आप में नहीं था जो एक रिपोर्टर आपके यहाँ जो काम करता है उसमें है, उसमें नहीं है और आप में है। एक्चुअली वो रिपोर्टर शायद आपसे ज्यादा काबिल है क्योंकि लोगों से मिल रहा, हम लोगों से मिल रहा, वो देख रहा है कि जनता क्या कर रही है, लेकिन आप न्यूज रूम में बैठ के कुछ और बोले जा रहे हैं। मतलब रिपोर्टर और आज के दिन एडिटर्स के बीच जो गैप है वैचारिक रूप से भी, क्योंकि रिपोर्टर आप देखिए सिंघू बॉर्डर पर या लोनी या वहां बहुत बेचारा गालियां खा रहा है, बहुत उसकी जलालत हो रही है, और इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो न्यूज रूम में बैठा हुआ एंकर है वो कुछ और बोल रहा है। रिपोर्टर आमतौर पर अच्छे काम कर रहे हैं। जी, और वो रिपोर्टर वो कुछ और कहना चाह रहा है, कुछ और बोलता है। पर्सनली आप बात करिए तो बोले नहीं नहीं वो तो स्थिति ही नहीं है जो न्यूज रूम में बोला जा रहा है। जी जी जी। तो ये मतलब एडिटर आजकल वो गेस्ट के अलावा, और गेस्ट भी सारे के सारे, अब देखिए न्यूज रूम में गेस्ट कैसे आते हैं, जब आप टेलीविजन डिबेट करते हैं तो गेस्ट आते हैं, एक आरएसएस विचारक, एक आरएसएस समर्थक, एक बीजेपी समर्थक, एक बीजेपी आइडियोलॉग, और फिर उसमें एक और कोई होता है कि फलाना वरिष्ठ पत्रकार या फलाना कोई और। तो आप 5 लोगों के बीच आरएसएस सपोर्टर, आरएसएस विचारक, आरएसएस आइडियोलॉग, आरएसएस जानकार, बिल्कुल वो सब तो देख रहे हैं जितेंद्र जी, वो तो देखा जा रहा है। जो चिंता की बात है वो ये कि अंदर से रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता था कि हम जब रिपोर्टर थे या हम लोग करस्पॉन्डेंट थे तो अपने ब्यूरो चीफ से या अपने संपादक से कुछ प्रोटेस्ट करते थे, ये ऐसे क्यों जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है। कई बार वो प्रोटेस्ट बड़ा गर्मा गर्मी वाले भी होते थे न्यूज रूम के अंदर, तो और संपादक रहते हुए भी मेरे कई सारे जो सहयोगी हैं वो आते थे और मुझसे डिसएग्री होते थे, कई बार उनकी बात होती थी, कई बार मेरी बात होती थी। मुझे लगता है ये संवाद और ये जो अंदर का रेजिस्टेंस है वो न्यूज रूम में नहीं है, वो सब एक लाइन पर हैं। यानी जो सांप्रदायिक सोच है वो बहुत एकदम पूरा एकदम एक संगठन की तरह से काम कर रहे हैं ये लोग। सर 100% मैं सहमत नहीं हूं कि ये नहीं है, असहमतियां नहीं है, क्योंकि जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस को लें, इंडियन एक्सप्रेस में सुशांत सिंह एक सुलझे हुए डिफेंस करस्पॉन्डेंट थे। जी जी जी। लेकिन जब वो चीन के साथ इनका हुआ और जिस तरह से स्टोरी लिखी जाने लगी जी जी, तो सुशांत सिंह निकल गया वहां से, क्योंकि वो वही चीजें नहीं लिख पा रहे थे जो हकीकत थी जी। हकीकत कुछ और थी, गवर्नमेंट का दबाव कुछ और था, शायद एडिटर का कुछ और दबाव था। तो आप देखेंगे सुशांत सिंह नहीं है वहां, क्योंकि उनको लगा कि हम कोई भी बात नहीं कह पा रहे हैं जो हकीकत है, हमसे झूठ लिखवाया जा रहा है जी जी। और यही बात अजय शुक्ला को देख लीजिए, अजय शुक्ला बिजनेस स्टैंडर्ड में लिख रहे हैं, लेकिन वो कई ऐसी चीजें अपने इस पर पोर्टल पर, अपने पोर्टल नहीं सॉरी, अपने ऑनलाइन इस पर लिखते हैं जहाँ ढेर सारी इंफॉर्मेशन होती है और जो बिजनेस स्टैंडर्ड में नहीं लिख पाते हैं जी जी। तो एक है मतलब, लेकिन बहुत छोटा सा तबका रह गया है जो एसर्ट करते हैं और अपने को, लेकिन उनके साथ ये देखना पड़ेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो निकल के भी सर्वाइव कर पाएंगे। तो बहुत की स्थिति तो ऐसी हो गई कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते मतलब बिना नौकरी के। तो एक नौकरी भी मजबूरी है, एडिटर ने मालिक ने बना दिया है कि या तो तुम हमारा लाइन पो करोगे या भूखे मरोगे। कल के टेलीग्राफ में हाँ बिल्कुल, और ये इसका सलूशन न जाने क्या होगा, लेकिन ये जनता के बीच में, पाठकों के बीच में, दर्शकों के बीच में ये बात होनी चाहिए कि किस ये जो जहर है और खासकर इस्लामोफोबिक टेंडेंसी है न्यूज रूम के अंदर, इसको लेकर काम अंदर के संपादकों की जिम्मेदारी है। देखिए मैं भी बहुत से टीवी चैनलों में रहा हूँ और हम लोग कई बार रीट्रेनिंग करते थे, लोगों को बुलाते थे, बाहर से एक्सपर्ट आते थे, कुछ बातें होती थी और ये कार्यक्रम होते थे। मतलब मैं मुझे याद है कि
IBN 7 जब हम लोग लॉन्च कर रहे थे तो उस वक्त मधु त्रिहन ने जर्नलिज्म के एथिक्स पर लंबा एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था। ये सारे मीडिया में ट्रेनिंग वगैरह होती रहती होंगी। मुझे अभी अभी आजकल मैं न्यूज रूम में नहीं जाता हूँ इन टीवी चैनलों के, लेकिन ये संवाद का असर नहीं दिख रहा है इस तरीके की रीट्रेनिंग का, कि चाहे वो जेंडर सेंसिटाइजेशन हो, चाहे वो कम्युनिटीज के सेंसिटाइजेशन की बात हो। किसी और दिन हम लोग जेंडर के बारे में जरूर बात करेंगे। एक और खबर जिस जो कल टेलीग्राफ में आई थी, शायद आपकी नजर पड़ी हो, फ्रंट पेज पे खबर थी और वो खबर बड़ी सुखद खबर थी कि मतलब वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जो मीडिया और सरकार खालिस्तानी का किसान आंदोलनों पे आरोप लगा रही है, तो जो खालिस्तान आंदोलन या उस दौर के आतंकवाद के दौरान जिन जिन सिख परिवारों की जाने गई थी उनको फ्रंट पेज पे लिया है। टेलीग्राफ लगातार अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहा है। टेलीग्राफ के फ्रंट पेजेस भी अलग होते हैं। किसी दिन हम लोग टेलीग्राफ के कई सारे फ्रंट पेजेस लाकर भी चर्चा करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर उन्होंने निकाली। ये एक मिसाल है कि कैसी पत्रकारिता आपको करनी चाहिए कि अगर सरकार और एक बड़ा कोई जो ग्रुप है और वो और खासकर सरकार की एजेंसियां खालिस्तानी किसान आंदोलन को खालिस्तानी बता रही हैं, जो ये किसान टीकरी बॉर्डर या सिंगू बॉर्डर पे हैं उनको खालिस्तानी बताया जा रहा, तो वो उन्होंने बताया है कि खालिस्तानी जो कौन है और कौन लोग भुक्तभोगी रहे। हाँ टेलीग्राफ आप भी देखते रहे होंगे, टेलीग्राफ अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया सर। और एक चीज और प्रशांत जी, मैं बताना चाहूंगा कि अंततः, मतलब जो भी मैं कहूँ, अंततः वो एडिटर का ही इथिक्स है और वो बिल्कुल रिपोर्टर है कि वो कितना ईमानदार रहना चाहता है, वो कितना बेईमान होना चाहता और है, इसमें कोई या तो हमको गुरेज नहीं कहने में कि कॉम्प्रोमाइज संपादक हुए हैं। हाँ। और उसको संपादकों को मालिक ने, या कहिए तो सरकार ने, अपने बिल्कुल घुटने के बल पर लाके खड़ा कर दिया है। बिल्कुल वो और जब भी सहमत कोई भी है। संपादक, और हाँ, और कोई संपादक अगर कोई दिखता है, तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई भी किसी भी अखबार में, हिंदी अखबार में या अंग्रेजी, इवन अंग्रेजी अखबार में एडिटर कौन है आपको पता ही नहीं चलेगा। तो एडिटर नामक इंस्टीट्यूशन का इस तरह से विलोप हो गया है कि जब एडिटर के बारे में पता ना हो तो आप कहाँ हैं और एडिटर कहाँ खड़ा है, हाँ, ये भी एडिटर पता। एडिटर का इंस्टीट्यूशन तो बहुत उसमें गिरावट आई है और अच्छे संपादक अब नहीं, रेयरली दिखते हैं। लेकिन वो सहमति भी है सरकार से या सरकार की नीतियों से या बीजेपी से और आरएसएस से, एक सहमति भी है। और ये जो बड़ी घुसपैठ मीडिया के अंदर हुई है अनचेक्ड, वो ये मैंने इस तरीके की घुसपैठ का असर बाबरी मस्जिद के समय और मंडल कमीशन के समय भी देखा था कि जब अचानक लोग लोग बदल गए थे और उसका असर हेडलाइंस में और खबरों के चयन में दिखने लगा था। लेकिन हालत तब उतने बुरे नहीं थे जितने आज हैं। हाँ, इसका बहुत ही साफ कारण है प्रशांत जी। अगर वो देखेंगे तो 90 में जो भी एडिटर्स थे, तो वो एक मिनिमम डेमोक्रेटिक स्पेस उनके पास थी, वो आपकी बात सुन लेते थे, एक मोरल था, इथिक्स था, वहाँ वो रहे थे। लेकिन मंडल ने सारी चीज़ों को उलट फेर कर दिया, और मैं बहुत शिद्दत के साथ मानता हूँ कि मंडल इस देश के लोकतंत्र और सब चीज के लिए टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि उस समय तक इस देश का जो लिबरल और प्रोग्रेसिव क्लास था, वो मानता था कि ठीक है, दलितों के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन वो पॉलिटिक्स है, कोई बात नहीं। मंडल आने के बाद इनको लग गया कि अब ये देश हमारा नहीं है और इसको जितना जल्दी हो नष्ट कर दो। क्योंकि वो लिबरल जो सारे थे और जो प्रोग्रेसिव थे, उनके बच्चे जा रहे थे मंडल के खिलाफ प्रदर्शन करने। तो भले ही वो एडिटर हो, भले ही वो ब्यूरोक्रेट्स हो, भले ही यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, तो उनके बेटा बेटी अगर प्रदर्शन करके लौट रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं कि ये अफर्मेटिव एक्शन है, क्योंकि लगातार वो डाइनिंग टेबल पर बोलते रहे कि
अंबेडकर के चलते समस्या रिजर्वेशन की। जी, रिजर्वेशन को उन्होंने कभी अफर्मेटिव एक्शन के रूप में लिया नहीं, और उसके बाद आप देखेंगे कि सारे इंस्टीट्यूशन नष्ट होने लगे। तो 90 में जो लोग जो काम करता है उसमें छोटे से थे, जिनकी जो बच्चे 18 20 22 साल के थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, नौकरी के तलाश में थे, वो मंडल के बाद आज के दिन वो अगर ब्यूरोक्रेसी में है तो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, अगर जर्नलिज्म में है तो एडिटर है, या न्यूज एडिटर है, डिप्टी एडिटर है, और एनजीओ में है तो हेड कर रहा है। तो वही समाज को शेप अप कर रहा है, और नेचुरली, और वो सारे के सारे बीजेपी में उसी समय में मानसिक रूप से चले गए थे, तो वो तो गैप आपको दिखेगा। अच्छा, आखिर में जी बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ जी, इतनी हेट्रेड। और ये एक चीज प्रशांत जी मैं और कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जो खतरा आरएसएस है। जी, तो आरएसएस है उसमें कोई अंतर है क्या मतलब? हाँ नहीं, वो आरएसएस जो है उसके पीछे उस सबसे बड़ा खतरा है। एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आप किसी से आप फाइट कर सकते हैं, तो लेकिन आरएसएस से सबसे जरूरत है इस देश को, बहुत सीरियसली उसको लेना पड़ेगा, जिसको हमने बहुत सीरियसली लिया नहीं कर। जी, मंडल के समय जो बातें आई मेरे, जो आप जिस तरह इशारा कर रहे हैं उसका ही असर आज हमको दिख रहा है बड़े व्यापक तरीके से। और मीडिया स्टडीज ग्रुप की जिस रिपोर्ट के बारे में, तबलीगी जमात के बारे में बात कर रहा था, वो मैं कमेंट बॉक्स में इस लाइव के बाद डाल दूंगा। और आखिर में जितेंद्र जी, एक और खबर पे हम लोग बात करना चाह रहे थे, और वो है भारत अमेरिकी रिश्ते और जो बाइडन के बाद के, क्योंकि वो अब की बार ट्रंप सरकार तो नहीं आई जो अमेरिका में जाके घोषणा हुई थी मोदी साहब की तरफ से। और एक वॉशिंगटन पोस्ट में खबर कल के वॉशिंगटन पोस्ट में आई है, और वो खबर है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने जब पहला भाषण दिया है, और वो उन्होंने कहा है कि यूएस इज बैक, और यूएस इज बैक का जो मतलब है कि अमेरिका वापस अब ग्लोबल रोल में आ रहा है, जो ट्रंप के समय उसने अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत वो चले गए थे वहां से, तो उसका बड़ा वेलकम हुआ है, मर्केल ने वेलकम किया है, कुछ राइडर के साथ फ्रांस ने भी उसको वेलकम किया, वो अपने बेसिकली अपने एलाइज को उसने एड्रेस करते हुए कहा है कि अमेरिका इज बैक। इसमें जो फोन कॉल हुआ भारत से नरेंद्र मोदी से, और उसमें दोनों अलग अलग वर्जन आए, तो जो दूसरा वर्जन अमेरिका की तरफ से आया वो भारतीय अखबारों में या भारत के मीडिया में उस तरीके से नहीं आया, और उसमें उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया बाइडन ने। भारत की तरफ से जो वर्जन सामने आया भारतीय विदेश मंत्रालय का, उसमें डेमोक्रेसी के शब्द को उन्होंने एक ही सेंटेंस में रफा दफा कर दिया, लेकिन बाइडन की तरफ से जो बयान आया था मोदी से फोन कॉल के बाद, वो उसमें बाकायदा दो सेंटेंस थे, और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में देखिए जो ये होता है शब्दों का चयन वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है, तो उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात की है। उन्होंने बाइडन ने डेमोक्रेसी को भारत अमेरिकी रिश्तों के बीच में एक पुल के तौर पे बताया है। सबको मालूम है कि डेमोक्रेसी की हालत भारत में इस वक्त क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस की हालत क्या है, वेस्ट भी जान रहा है कि किस तरीके का पुलिस राज है, जब वो ग्रेटा थंबर की टूलकिट जिसपे वो लोग हंस रहे होंगे उसमें दिल्ली पुलिस की एफआईआर है। और तो ये जो बाइडन के बाद के रिश्ते होंगे इस पे आपकी नजर रही होगी सर। वो नेचुरली
जब हम ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप और जो बिडेन में तो आकाश पाताल का अंतर है, मतलब इसको कह लीजिए कि वही मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी टाइप का मामला है। लेकिन हम एक चीज को शायद भूल रहे हैं कि जब ओबामा आए थे और उन्होंने जो इतनी खरी खोटी सुनाई खेलगांव में, तो जब वो अपने मोदी जी कह रहे थे कि दोस्त है तो इतना सुना के गए थे, लेकिन मोदी जी के सेहत पर कोई अंतर नहीं पड़ा। तो वो एक रेखीय इसमें चल रहे हैं और इनको दुनिया क्या कहती है उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब तो यही अमेरिका के बारे में बात मैं और कहना चाह रहा था कि ट्रंप चुनाव भले ही जीत गया हो लेकिन इंस्टीट्यूशंस उसके इतने मजबूत थे कि चार घंटे में वापिस ले आए ना वो अमेरिका को। तो चाह के भी ट्रंप वो सब सारे काम नहीं कर पाए जो उनकी सदिच्छा थी जी। और आप यहाँ देखें कि मोदी जी की जो सदिच्छा है उसको इंस्टीट्यूशन सारे, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, बिल्कुल इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी मदद कर रहा है जी। और सिविल सोसाइटी के बारे में एक वो उनकी किताब है मीरा नंदा की, और उन्होंने कहा, लिखा है उसमें कि अपने देश में मतलब भारत में सिविल सोसाइटी की परेशानी ये है कि वहां भी सारे अपर कास्ट ही भरे हुए हैं। तो अपर कास्ट का नेचुरल एलाई जो है बीजेपी है इस देश में। लेकिन एक कुछ लोगों को एक मैं ट्रंप के सिलसिले में एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़े जो तब्दीलियां दिख रही हैं मुझे, जिसपे भारतीय मीडिया में जो विश्लेषण आ रहे हैं उस तरफ अभी तवज्जो कम है, वो ये कि ट्रंप ये बाइडन के की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें ह्यूमन राइट एक सेंट्रल इंग्रेडिएंट होने जा रहा है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होने जा रहा है और वो लगातार बहुत जोर दे रहे हैं। उनकी टीम को भी अगर आप देखिएगा तो उनकी टीम में भी जो करियर ह्यूमन राइट करियर के लोग उनकी टीम में काफी हैं, और मेरे ख्याल से चाइना को लेकर वो ह्यूमन राइट के इश्यूज को, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर वो एक ग्लोबल डिप्लोमेसी अमेरिका की तरफ से आने वाली है, और ये भारत के लिए खासकर नरेंद्र मोदी के रहते हुए और जिस तरीके का हमारे यहाँ पुलिस और अदालतें हैं अभी, तो थोड़ा मुश्किल होगा इनके लिए, ये जर्नी मुश्किल होगी। और जिस तरीके से कमला हैरिस की भतीजी को ट्रोल भी कर दिया, दुनिया को मालूम है कि कैसे क्या ट्रोल किया गया, सब जानते हैं कौन लोग हैं पीछे। लेकिन एक बात और मैं ऐड करना चाह रहा था यहाँ कि जिस तरह से यहाँ उन्होंने मतलब मोदी सरकार ने ग्रीन पीस को टारगेट किया, सिविल सोसाइटी जो सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, मतलब इस सारी परेशानियों के बावजूद कि सारे सवर्ण है वहां पर, तब भी थोड़ा बहुत तो काम लोग प्रोटेस्ट करते ही रहे थे इस सरकार का। लेकिन जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल को बैन कर दिया इस देश में, ग्रीन पीस को जिस तरह से नष्ट कर दिया, मतलब आप इन्वायरमेंट को लेके इतना बढ़िया काम करने वाली एक संस्था उसको आपने खत्म कर दिया, एमनेस्टी ह्यूमन राइट को लेके बात करने वाली, तो निश्चित रूप से इस गवर्नमेंट के ऊपर अमेरिका का अगर दबाव होगा तो होगा इन सब चीजों के लिए। हर चीज को बेसिक आप एक सिटीजन के राइट को कैसे खत्म कर दे रहे, इसको लेके बात तो होगी और वहां हो रही होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसमें जो ग्रुप है उसमें एक कश्मीर की लड़की है जी जी, और उस कश्मीर को आपने क्या करके रखा है, कुछ तो वो बोलेगी क्योंकि कुछ तो एथिक्स उस लड़की में होगा। वो अमेरिका में देखिए डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स का एक मंत्रालय है और वो वहां मंत्री हैं उस विभाग की जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं जी। तो होगा और निश्चित ही होगा, और गवर्नमेंट को सिर्फ चुनाव जीतने का ही, मतलब लोकतंत्र हमारे साथ दिक्कत ये हुई इस देश में कि चुनाव जीतने को ही हम लोकतंत्र मानते हैं। लोकतंत्र एक वैल्यू है, उसमें किसी का कोई भरोसा नहीं है और खास करके इन लोगों का तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं कि वेलफेयर होता है उसमें, लोकतंत्र में लोगों के भावना को समझना होता है, लोगों का वेलफेयर, मतलब सब कुछ है, लेकिन ये लोग समझते हैं कि चुनाव जीत गए तो उसके बाद हम लोकतांत्रिक हैं। जी तो जितेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आज की चर्चा हम लोग यहीं खत्म करते हैं
और कल फिर मीडिया से जुड़े हुए किसी विषय पर हम आपके साथ आएंगे। और आज जो मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट है, इस पे हमने चर्चा शुरू की थी, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा उसका यूआरएल, और उसको आप लोग डाउनलोड जी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और शुरुआत में जितेंद्र जी का इंटरनेट थोड़ा धोखा दे गया आज, तो थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए माफी। और कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि इंटरनेट, देखिए हम लोगों के बस में नहीं है कि कब निकल जाए क्या जाए। इतना इंटरनेट बंदी जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है, और ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का के ऊपर एक बड़ा हमला है। तो आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र जितेंद्र जी जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से भी माफी दर्शकों से कि हमारे इंटरनेट के बस में चलते नहीं है इंटरनेट का ठीक होना। ठीक है, ओके।